क्या हुआ? क्यों फोन किया तुमने? कल हमें घर बुलाकर जो तमाशा किया वो काफी नहीं था कि आज फिर से फोन कर रही है तू? देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे बंधु से बात करनी है। बंधु को फोन दीजिए। क्या बात करनी है उसे? क्या बात करनी है? और वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। तुम्हारा असली चेहरा सामने आया है उसे। अब तेरी चुपनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली है वो। कल तुमने उसके साथ जो कुछ किया उसका गहरा सदमा पहुंचा है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, समझी? अगर ऐसा है तो यही बात मैं बंधु के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बंधु को फोन दीजिए। नहीं दूंगी मैं बंधु को फोन, नहीं दूंगी। और वैसे भी जिस औरत ने उसके पति का अपमान किया है उसके साथ वो खुद बात नहीं करना चाहती है। देखिए रसिकता, मेरा मुंह मत खुलवाई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है। और जो कुछ भी मैंने किया बिल्कुल सही किया है। अगर मुझे पैसे देने होते तो मैं दे भी देती, मैंने कभी पैसों के लिए मना नहीं किया। अरे एक क्या, मैं आपको 10 घर दिला दूँ, लेकिन आपकी नीयत ही खराब है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो हमारी बंधु इतनी सीधी साधी है ना कि उसकी समझ में नहीं आएगा आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और जहां तक बात अजीत की है, अजीत को पैसे मैं दे भी देती, लेकिन अजीत का क्या भरोसा? जो पैसे मानव उसे दे रहे हैं वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? कहीं अयाशियों में उड़ा दिया तो किसे पता है? अरे हमारी बंधु तो बहुत भोली है, आंखें मूंदकर आप सब पर भरोसा भी कर लेगी। लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से दिखता है क्या सच है और क्या गलत है। और मैं बंधु के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और हाँ, जो अजीत उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा है ना वो। बस कीजिए भाई, बहुत बोल चुकी हैं आप। आपको कोई हक नहीं है मेरी आई और अजीत के बारे में कुछ भी बोलने का। और वो जैसे भी है जो भी है मेरे अपने हैं, मेरे साथ हैं। और हाँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो लोगों के बहकावे में आकर लोगों की नीयत ना पहचान सकूं। हाँ हुई है गलती मुझसे, लेकिन आई और अजीत को पहचानने में नहीं बल्कि आपको पहचानने में। आइंदा से मुझे कभी दोबारा फोन मत कीजिएगा और आज के बाद मैं आपकी कभी कोई बात नहीं सुनूंगी। बंधु मेरी बात तो सुन। हेलो बंधु, हेलो बंधु, विनोद फ्रस्ट्रेट तो होगा ना, अब किसी की नौकरी चली जाए तो फ्रस्ट्रेट होना तो स्वाभाविक है ना। विनोद आज जल्दी खाना खाने आ गए? हाँ मंजू, वो एक्चुअली आज मैं कार की जगह ट्रेन से गया था, पर ट्रेन में वो ट्रैफिक का झंझट नहीं होता तो इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, लेकिन तुमने आते इतनी जल्दी कपड़े चेंज कर लिए? ऑफिस नहीं जाना है वापस? नहीं मंजू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैंने बॉस को बोला और हाफ डे ले लिया। मतलब आज तुम आधे दिन ऑफिस गए थे है ना? आज तुम सचमुच ऑफिस गए थे? मुझे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक ही सवाल को बार बार पूछे जा रही हो। ऑफिस गए थे तो तुम आज पहन कर क्या गए थे? जो तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं वही कपड़े पहनता हूँ जो तुम सुबह निकाल कर जाती हो। तो फिर ये क्या है, ये क्या है विनोद? मतलब तुम आजकल मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? इसका मतलब? हाँ मुझे पता चल गया है कि अब तुम्हारा जॉब नहीं रहा है। तुम्हें आशा ने बताया मुझे, हंस मिली थी वो। लेकिन तुम मुझे सच्चाई तो बता सकते थे ना, लेकिन क्यों बताते? तुम तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो। मंजू छोड़ दो, मंजू मंजू मैं बीवी हूँ तुम्हारी,
तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब जानने का हक बनता है मेरा। अरे मंजू क्या बताता मैं तुम्हें, मेरे प्रमोशन को लेकर तुम रोज नए सपने देख रही थी, और तुम्हारे सपनों को टूटते हुए कैसे देख सकता था मैं। यही बात मुझे जॉब से निकालने के कारण की, पता नहीं बॉस ने कौन सी दुश्मनी निकाली है मुझसे। अरे टारगेट का बहाना लेकर उसने, तुमने ये नौबत आने ही क्यों दी? तुम तो जानते हो ना कि हम लोगों के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां। अरे मंजू मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया ये। अरे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में, भुगतना तो हम दोनों को ही पड़ेगा ना। पता नहीं इस महीने क्या होगा, मेरी जो सैलरी आएगी उससे क्या करेंगे हम, सारी ईएमआईस भरेंगे कि घर का खर्चा चलाएंगे। मंजू मुझे जल्दी से जॉब मिल जाएगी। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा मंजू, तुम चिंता मत करो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी वो तो घर में नहीं है, जब भी बुलाओ तभी मिलती नहीं है। सुंदरी क्या हुआ सविता जी? सुंदरी गई है कपड़े लेने के लिए धोबी के पास, आपको कुछ चाहिए? नहीं, यहाँ सुंदरी मेरी सेक्रेटरी, पैसे मैं देती, हरिक आके उसको काम बोलता है, मालूम नहीं किसकी सेक्रेटरी, जाने दो। ये फाइल आप प्लीज मानव सर को दे देना और कहना कि बहुत अर्जेंट है। उमेश, ये फाइल मुझे दे दो। एक्चुअली मैं डीके सर के केबिन में ही जा रहा हूं, मैं उन्हें दे दूंगा। Come in, sir. Yes. Sir, Ashna ma'am ne ye files di. This is for you, sir. And this is for you. This is your file. Sir, take a look.
क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं, अपने आप को ताई के साथ कंपेयर कर रही। मतलब? मतलब देखो ना, मेरे चेहरे का निखार है जो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, और अर्जु ताई को देखो, ये 4 साल पहले की फोटो है और ये आज की, उसकी खूबसूरती तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसकी इस रेशमी त्वचा का राज क्या हो सकता है। नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। सतीश, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुड न्यूज है? हो सकती है। पता नहीं बंधु को क्या हो गया। अरे इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार, इतने आसानी से अपने पति और अपने सास के झांसे में फंस गई, जबकि वो उन दोनों की नियत अच्छे से जानती। फिर भी मुझे तब तक यकीन नहीं हो रहा कि वंदु मेरे बारे में ऐसा भी सोच सके, जबकि उसे पता है कि मैं हमेशा उसके बारे में अच्छा चाहता था। अरे अर्जु, तुमने खीर वहीं छोड़ दी, खाई नहीं? ये देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। ले। अरे ये काम वाम तो होता रहेगा, बैठ बैठ यहाँ और आराम से खीर खा ले। तुझे खीर पसंद है ना, इसीलिए बनाई। और तू है, अर्जु क्या बात है, क्या सोच रही है? भाई मैं वंदु के बारे में सोच रही हूँ। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अजीत और रसिका इन्हें वंदु के मन में ऐसा मेरे खिलाफ क्या भर दिया कि वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। मैंने उसे फोन किया, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे उसे बताओ कि उसकी सास और उसका पति उसका सिर्फ इस्तेमाल करे और कुछ नहीं? तू चिंता मत कर, मुझे विश्वास है गणपति बप्पा जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, आखिर में जीत सच्चाई की होती है ना। वैसे अर्जु, तुझसे एक बात कहनी थी। जब से मैं इस घर में आई हूं ना, तुम्हारे घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। सच कह रही हूँ, अच्छी खासी सुख और शांति थी इस घर में, लेकिन मेरे आने से सब कुछ पता नहीं कैसे लेकिन बिगड़ता जा रहा है। भाई ऐसा तू क्यों कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे आने से इस घर में बल्कि खुशियाँ आई है। भाई तुझे पता है, मानव और मुझे दो दो आई का प्यार मिल रहा है, और क्या चाहिए। हाँ लेकिन तेरी एक आई दूसरे आई के यहाँ रहने से खुश नहीं है। आजकल सभी तताई का रवैया, उनका स्वभाव धीरे धीरे बदलता जा रहा है। उनको उनको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसे होता तो आई तुझे इस घर में अपने कमरे में क्यों रहने देती, तुझे इतना प्यार इतनी इज्जत क्यों देती। वो तो तुझे अपनी बहन की तरह मानती है इसीलिए। अर्जु तू समझने की कोशिश कर, मैं महसूस कर रही हूँ कि इस घर में जो तनाव है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। तुम्हारा और मानव का मेरे साथ मिलना जुलना, मेरे करीब आना सविता ताई को पसंद नहीं। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस घर का उनका महत्व कम होता जा रहा है। उनके दिल में तुम्हारे लिए गलत फहमियां पैदा हो रही है, जो मैं कतई नहीं चाहती। अगर ये सब रोकना है तो मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। आई आई तो फिर से शुरू हो गई, तू ये क्या कह रही है? अर्जु लेकिन मैं गलत नहीं कह रही, और वैसे भी बेटी के ससुराल में कितने। आई ये मेरा घर नहीं है, ये तेरा भी घर है, और इस घर से कोई नहीं चाहता कि तू इस घर को छोड़ के जाए, ना मानव ना मैं। और आई मेरे सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुझे ये घर छोड़ने की बात सोच रही। प्लीज नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई बात मत करना जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अगर अर्जु आई कुन तर गई, अर्जु लड़की भी ना, हेलो, हाँ नंबर मिल गया, अच्छा हुआ तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, जरा बोलती है नंबर। हाँ एक मिनट है, मैं लिख लेती हूँ। हाँ हाँ अच्छा मैं रखती हूँ, थैंक्स थैंक्स, बाद में फोन करूंगी, रख दे। हेलो, मैं सविता दामोदर देशमुख बोल रही हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। म,
मेहमानों के सिलसिले में बात करनी है। हाँ तो कब कहाँ कैसे मिलेगी? अच्छा तो हम मिलते हैं। हाँ बाय 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 बाय। यू नो वर्षा, जितने भी प्रेजेंटेशन मैंने दिए ना सब बहुत अच्छे थे। ऑल क्लाइंट्स वर सो हैप्पी। 8 में से 5 के अप्रूवल लेटर्स मुझे उसी वक्त मिल गए थे, बाकी के 3 अगले हफ्ते मिल जाए। तुम देखना ये फाइनेंशियल ईयर हमारा बहुत अच्छा रहेगा, प्लस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं तुम्हें अपने साथ वहां पर लेकर चलूंगा, काम का काम हो जाएगा, प्लस हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। एंड यू नो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है वहां पर। वहां का क्लाइमेट, वहां के स्पॉट्स ऑल आर जस्ट अमेजिंग। और मैं क्या सोच रहा था, तुम मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन करो। देखो बहुत फायदे होने वाले, एक मुझे हेल्प मिल जाएगी, दूसरा तुम्हारा खालीपन दूर हो जाएगा। और फिर बार बार मानो के घर पे जाकर रहना वो सही नहीं है। क्या हुआ, कब से मैं बातें किए जा रहा हूं, कहां खोई हो? कोई रिप्लाई नहीं। मैं देख रहा हूं कि तुम जब से मानो के घर से आई हो थोड़ी सी परेशान हो, थोड़ा खोई खोई रहती। नहीं सतीश, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि जानते हो आजकल सविताई और अर्चुताई के बीच में बहुत झगड़े होते हैं रोज, तो मैं सोच रही थी कि आई को क्या गलतफहमी हुई है जो वो ताई से इतनी झगड़ती है, उसे डांटती है, भला बुरा कहती है, पता नहीं। बिना वर्षा, तुम्हारे परेशान होने से वहां के लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो जाए। जहां पर प्यार होता है वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहते, यूं शुरू होते हैं यूं खत्म हो जाते हैं। तुम टेंशन मत लो, वहां पर अर्चना है, सब कुछ संभाल लेगी। कितनी बदल गई है तू श्रावणी। आशीर्वाद तुझे। सदा सुखी रह। कितनी बदल गई है बेटा तू। पहले तू सलवार कमीज पहनती थी, अब ये फ्रॉक, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। ये गाड़ी, वाह वाह वाह, पूरी की पूरी बदल गई। एक बात बोलूं श्रावणी, तेरा सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरे लिए तेरे मन में जो आदर है वो वैसा ही कायम है ना बेटा। समय और शहरों के फासले सिर्फ इंसानों में दूरियां पैदा कर सकते हैं, जज्बातों में नहीं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हालातों के साथ नहीं बदलते, जैसे माँ बेटे का रिश्ता है ना। खेल रहे पापा के साथ?
बहुत प्यार करता है ना पापा से? मैं सच्चू और पापा भी सच्चू का बहुत ख्याल रखते हैं। आई, सचिन कैसा है? सचिन एकदम बड़ा बन गया है। अगर मेरे बाजू में खड़ा होगा ना तो मेरे कंधे तक आता है। शरारत तो इतनी करता है, पूरा बाप पे गया है। श्रावणी, तू भी तो बड़ी हो गई है। ये बड़ी गाड़ी, ये रुतबा, सब बदल गया। लगता है तूने बहुत तरक्की की है। हमसे दूर जाने के बाद भी तूने अपनी जिंदगी सवर ली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बता, गिरीश जी कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक है। वो तो दिन रात काम में बिजी रहते हैं। अब तो उन्होंने अपना सारा बिजनेस यूरोप में एक्सपेंड कर लिया है। उनका वहाँ का सारा कारोबार मैं ही संभालती हूँ। दरअसल मैं तो काफी पहले ही वहाँ पर सेटल हो गई थी। यहाँ तो मैं किसी काम के सिलसिले में आई हूँ। पापा का बिजनेस और मैं, बस अब यही मेरी जिंदगी है। बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए ना। तूने शादी की? जाने दीजिए ना, आई क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया? कोई जरूरी काम था? आई, सचिन ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सचिन एकदम बिल्कुल ठीक है। दरअसल बात ये हुई कि मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि तू बंबई चली आई, तो तुझसे मिलने का दिल किया, इसलिए चली आई। तो फिर ठीक है। आप कैसी हैं आई? और मानव अर्चना, वो ठीक है? अरे मानव अभी एकदम बड़ा आदमी बन गया है। मतलब जो लोग 20-20 सालों में तरक्की नहीं करते, वो उसने 8 सालों में कर दिखाई। अब हमारी गिनती बड़े लोगों में होती है। अरे वो सचिन से इतना प्यार करता है, बिल्कुल उसकी बाबा की तरह। तू घर चलना सचिन से मिलने। नहीं आई, मैं अपनी उस पुरानी जिंदगी को, उन यादों को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मैं अब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है। अगर मैं उस माहौल में वापस गई तो मैं अपने आप को उस जिंदगी से कभी दूर नहीं कर पाऊंगी। वो सब मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से जितना दूर रहे, उसी में सबकी भलाई है। मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आई हूँ, और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। आई, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इतने सालों तक आज तक मैंने कभी घर पे फोन नहीं किया, सचिन से बात नहीं की, और अब इतने सालों बाद आप मुझे उससे मिलाने ले जा रही हैं, फिर भी मैं इनकार कर रही हूँ। आपकी नजरों में मैं अच्छी माँ नहीं हूँ ना? लेकिन यकीन मानिए आई, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं उसकी एक झलक, उसकी आवाज मुझे कमजोर ना कर दे। अगर मेरे मन में जो उसके लिए ममता है वो वापस जा गई तो? नहीं आई, मानव और अर्चना के साथ रहने में ही सचिन की भलाई है। अब वो दोनों उसके माता पिता बन गए हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, और सचिन भी तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं मानव अर्चना की जिंदगी से उनकी खुशियां नहीं छीन सकती आई, और मेरा बेटा उनके साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरी बात तो सुन श्रावणी। आई,
प्लीज आए, मुझे फोर्स मत कीजिए। और हाँ, मानव अर्चना को भी मत बताइएगा कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है।